नमस्कार दोस्तों, एग्जाम्स एक्सक्लूसिव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह है हमारी क्लास नंबर 45th है, जिसमें हम एग लेइंग मैमल के बारे में पढ़ेंगे। और एग लेइंग मैमल कौन कौन से हैं, उसमें कितनी फैमिली हैं, कितनी स्पीसीज हैं, थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ लिया था क्लासिफिकेशन वाले लेसन में, जस्ट एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे था, है ना। उसके अलावा अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पे लेसन शुरू करने से पहले आपके लिए दो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। पहला तो ये है कि जो स्मॉलेस्ट मैमल है उसका आपको नेम बताना है कमेंट्स के द्वारा। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऐसे मैमल का नाम बताइए जस्ट उसकी जो वॉइस है ना, वो ह्यूमन लाफ्टर की तरह होता है, यानी कि ह्यूमन बींग जैसे हंसता है, सो उस तरह की उसकी वॉइस है, उसका नेम बताना है। और स्मॉलेस्ट मैमल आपको बताना है कमेंट्स के द्वारा। और लास्ट में मैं आपको इनके आंसर प्रोवाइड करूंगा, क्लियर, लेसन के लास्ट में। सो एक छोटा सा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, bit.ly/ZOOLOGYREG। आर बड़ा रखना है और बाकी सारे लेटर छोटे रहेंगे। सो इस पे क्लिक करके जस्ट आपको डिटेल्स फिल करनी है और सबमिट कर देना है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, उनके आपको आंसर करने हैं। और आप शुरू करते हैं एग लेइंग, क्लियर। और एग लेइंग मैमल किस ऑर्डर में आता है आप सभी को पता है, क्लासिफिकेशन आप सभी पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, माइसेल्फ धीरज शर्मा एंड आई एम टीचिंग सिंस मई 2017 एंड दिस इज जूलॉजी ऑप्शनल कोर्स एंड आई थिंक एवरीबडी नोज अबाउट दिस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, हमारे पास ऑर्डर आता है कौन सा, कौन सा है भाई, ये मोनोट्रेमेटा, क्लियर। अब मोनोट्रेमेटा का मीनिंग क्या है, यानी कि इसको अगर आप वैसे पढ़ते हैं तो आप कह सकते हैं एग लेइंग, क्लियर, LAYING, एग लेइंग मैमल। अब अगर इसको थोड़ा सा क्या बोलते हैं, संधि विच्छेद करते हैं इसका, है ना। मोनो मीन्स क्या होता है, मोनो मीन्स सिंगल, है ना, SINGLE। और ट्रीमेटा मीन्स, ट्रीमेटा का मीनिंग, ट्रीमा मीन्स हॉल, क्लियर। सो सिंगल हॉल, यानी कि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग रहेगी, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के अंदर, है ना, ठीक है। सो फ्रेंड, एक ग्रीक टर्म है मोनोज प्लस ट्रेमा, इट इज इक्वल टू सिंगल हॉल, एंड यू कैन से इट इज रेफरिंग टू द सिंगल एक्सक्रीटरी ओपनिंग, क्लियर, सिंगल एक्सक्रीटरी ओपनिंग क्लोइका इन दीज एनिमल्स, जो हम एग लेइंग मैमल्स यहाँ पे पढ़ेंगे, क्लियर। एंड फ्रेंड्स, दे ले एग इंस्टेड ऑफ गिविंग बर्थ यंग वन, सो दैट्स व्हाई वी कॉल एग लेइंग मैमल, क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट स्पीसीज हैं जो आपको हाईलाइट करके दिखाई हुई है, वो एग्जिस्टेंस में है, उसके अलावा जो थोड़ा सा लाइट में है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्लियर। सो ये जो तीन स्पीसीज हैं इस फैमिली के अंदर, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्लियर। और यहाँ पे ये तीन स्पीसीज हैं जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है, क्लियर, इज दैट क्लियर। पहली फैमिली कौन सी है, ऑर्निथो राइनी चिड़े, क्लियर। सो इसके बारे में शायद डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये हम क्लासिफिकेशन के अंदर कवर कर चुके हैं, क्लियर। यहाँ पे जो इसकी स्पीसीज हैं वो हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे डिटेल के अंदर, क्लियर। और दूसरी फैमिली कौन सी है, टैकी ग्लोसिडे, क्लियर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अपने पास जो पहली फैमिली है ऑर्निथो राइनी चिड़ई, इसके अंदर एक स्पीसीज है ऑर्निथो राइनिकस एंटिनस, है ना, और इसका नेम भी हमने पढ़ा था वहां पे, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न, क्या बोलते हैं, मॉडर्न प्लेटिप्स, PLATYPUS, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओके, अगर है तो आप पूछ सकते हैं।
उसके अलावा इसका भी नाम हमने पढ़ा था, टैकीग्लोसिस एक्यूलिएटा। ये क्या है? ये इसको आप जनरली तो कह सकते हैं एकिडिना, क्लियर। और ये जो सारी की सारी स्पीसीज हैं इनको आप जनरली तो एकिडिना बोल सकते हैं। एकिडिना की स्पेलिंग ECHIDNA। लेकिन अब इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब इनके नाम अलग अलग हैं, सो कुछ तो नेम में भी डिफरेंस होगा और करेक्टर्स में भी डिफरेंस होगा। सो करेक्टर के डिफरेंस हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट जो स्लाइड है जहां पे हम एकिडिना के बारे में पढ़ेंगे वहां पे थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता हुआ चलूंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सो पहला है टैकीग्लोसिस एक्यूलेटा। इसका नेम क्या है, जस्ट आप कह सकते हैं कॉमन नेम, शॉर्ट नोज्ड आगे एकिडिना, ECHIDNA, क्लियर। पहला नेम क्लियर। दूसरा है गैगलोसस, गैगलोसस ब्रुइजिनी। इसका कॉमन नेम वेस्टर्न लॉन्ग बीक्ड, WESTERN, वेस्टर्न लॉन्ग बीक्ड, क्लियर। और उसके अलावा एकिडिना तो पीछे लगाना ही है आपको। थर्ड स्पीसीज है गैगलोसस बार्टोनी। सो गैगलोसस बार्टोनी का कॉमन नेम क्या होगा, ये है ईस्टर्न, ESTERN, ईस्टर्न लॉन्ग बेक्ड एकिडिना, क्लियर। यहां तक क्लियर। उसके बाद लास्ट में है जिसका नेम थोड़ा सा अलग है, ये भी लॉन्ग बेक्ड रहेगा लेकिन थोड़ा सा नेम अलग है, जस्ट आप कह सकते हैं कि साइंटिस्ट के नेम पे इसका नेम रखा गया है। नेम है गैगलोसस एटीन ब्रुगी। सो इसका कॉमन नेम सर डेविड, जैसे आपने डार्विन फिंचेस सुनी होंगी, है ना। चलिए वो भी आगे आने वाले लेसन के अंदर हम कवर करेंगे, जैसे मतलब इंपॉर्टेंट है वो। सर डेविड लॉन्ग बेग्ड एकिडिना, क्लियर। तो फ्रेंड यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई कि ये जो तीन है ये तो लॉन्ग बेग्ड है और ये वाली शॉर्ट बेग्ड है, क्लियर। और ये तीन यहां पे एक्सटिंक्ट है, इज दैट क्लियर। ओके, सो फ्रेंड अब अगर ओल्डेस्ट फॉसिल की मैं बात करूं, किसकी, मोनोट्रेमा की, इट इज एस्टिमेटेड अबाउट यू कैन से 100 मिलियन ईयर्स एगो, 100 मिलियन ईयर्स एगो, क्लियर। यानी कि इतने साल पहले मिला था, कहां पे मिला था, इट इज फ्रॉम कहां पे, न्यू साउथ वेल यानी कि ऑस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, क्लियर। एंड फ्रेंड्स फॉसिल हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन, और भी जगह मिला था, कहां पे, लाइक एज अर्जेंटीना, ARGENTINA, अर्जेंटीना, क्लियर। और इसके अलावा अगर आज की बात करें तो ये जो मोनोट्रेम्स है वो कहां पे पाए जाते हैं, आज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, AUSTRALIA, एंड न्यू गिनिया, क्लियर, न्यू GUINEA, क्लियर। सो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, द ओल्डेस्ट फॉसिल मोनोट्रेमे इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 100 मिलियन ईयर्स एगो, ठीक है, क्लियर, 100 मिलियन ईयर ओल्ड भी लिख सकते हैं, from New South Wales, Australia. And fossil have also been found in Argentina. And today, monotremes occurs only in the Australia and New Guinea. Clear? So, ये हो गया आपका just basic. अब यहाँ पे हम दो species ही पढ़ेंगे. कौन-कौन सी? Platyps और Echidna. Echidna के अंदर एक short है, तीन long beaked है. ठीक है? और Platyps में एक ही है. तो चलिए
एकिडिना देखते हैं। फ्रेंड्स, एकिडिना का मैंने आपको क्लासिफिकेशन के अंदर एक छोटा सा नाम बताया था कि इसको टैकीग्लोसस भी बोलते हैं और गैग्लोसस भी बोलते हैं। टैकीग्लोसस तो हो गया शॉर्ट बेक्ड और गैग्लोसस हो गया लॉन्ग बेक्ड। क्लियर? आपने पिछले वाली स्लाइड के अंदर भी पढ़ लिया होगा। सो क्या बोलते हैं? TACHYGLOSSUS, टैकीग्लोसस और गैग्लोसस, ZAGLOSSUS। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सा मतलब जो मेरे साथ घटित हुआ उस चीज के बारे में बताता हूँ। एक बार वाइल्ड लाइफ क्विज हो रहा था हमारी कॉलेज के अंदर। सो ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, मतलब पिक्चोरियल क्वेश्चन थे। ये पिक मेरे को दिखाई गई, मतलब हमारी टीम को दिखाई गई। सो जिसमें 3 मेंबर थे। लेकिन ये जस्ट आपको कैसा लग रहा है? अपने घर के अंदर या फिर कहीं भी जंगली चूहा या जंगली मूसा जिसे बोलते हैं, और जिसको अगर हम लोकल लैंग्वेज में बोलें तो झाऊ मूसा है ना। सो ऐसा कुछ होता है। सो हमने आंसर किया वहाँ पे ये। लेकिन हमें उस समय, मतलब हमारे दिमाग में ये चीज़ स्ट्राइक नहीं की कि ये एकिडिना है। पढ़ा हुआ था लेकिन उस समय ध्यान नहीं आया है ना। सो ये एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट था जो मेरे साथ घटित हुआ है ना। लेकिन अब मेरे को ये पूरी लाइफ याद रहेगा कि हाँ, ये एकिडिना है, क्योंकि उस समय गलती की थी। क्लियर? सो फ्रेंड, एकिडिना की मैं बात करूं, सो इट इज लाइक यू कैन से स्पाइनी एंटीटर है ना, बिकॉज इट हैविंग शार्प स्पाइन ऑन देयर बैक्स है ना। ये आपको दिखाई दे रहा है, जस्ट कांटेदार। और ऐसा ही कुछ होता है जो मैं बात कर रहा था झाऊ मूसे की है ना। सो सम काइंड ऑफ झाऊ मूसा इज देयर। ओके, सो फ्रेंड, एकिडिना इज समटाइम रेफर्ड टू एज द स्पाइनी एंटीटर सिंस इट हैज शार्प स्पाइन ऑन देयर बैक। एंड वेयर इट इज फाउंड, कहाँ पे पाया जाता है? एकिडिना इज फाउंड ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? सो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में भी अगर हम बात करें तो कहाँ पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में भी आप कह सकते हैं डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट हैबिटेट में ये पाया जाएगा। क्लियर? डिफरेंट टेम्परेचर एंड हैबिटेट्स। क्लियर? ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए। उसके अलावा बात करें तो, मतलब अब ये मान के चलिए कि ये कहाँ पे रहता है, किसी के घर में रहता है, जंगल में रहता है, माउंटेन में रहता है, कहाँ पे? ये अगर आप समझें इसको तो आप ये कह सकते हैं कि ये हर जगह मौजूद है। क्लियर? जस्ट लाइक फॉरेस्ट में भी है। क्लियर? उसके अलावा डेजर्ट्स में भी है, DESERTS, डेजर्ट्स में भी है, माउंटेन में भी मिल जाएगा। क्लियर? और उसके अलावा वुडलैंड्स में भी मिल जाएगा। क्लियर? मतलब हर जगह मिलेगा। क्लियर? फ्रेंड्स, यहाँ पे एक स्पीसीज है जिसको मैं स्पेसिफिकली मेंशन किया है मैंने यहाँ पे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। टैकीग्लोसस एक्यूलेटस। क्लियर? और टैकीग्लोसस एक्यूलेटस या फिर एक्यूलेटा हमने पिछली वाली स्लाइड के अंदर मेंशन किया था। इट इज शॉर्ट नोज्ड एक्यूडिना। ठीक है? सो ये यहाँ पे है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट 5 मिनट का वेट कीजिए है ना, पहले हम ये ऊपर वाले पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सो फ्रेंड, एक्यूडिना आर जनरली क्रेप्सुलर एंड नॉक्टर्नल। बहुत सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट भी नॉक्टर्नल होंगे है ना। चलिए कोई बात नहीं, अपनी अपनी इच्छा है। एंड फ्रेंड्स, इट्स बॉडी इज कवर्ड विद द 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर। अब ये जो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हेयर हैं वो कौन कौन से हैं? शॉर्ट कॉस हेयर और लॉन्ग शार्प स्पाइन। क्लियर? सो शॉर्ट कॉस हेयर टू कीप देम वार्म एंड लॉन्ग शार्प स्पाइन which are the modified
हेयर्स यू कैन से, ओके। लॉन्ग शार्प जो स्पाइंस हैं वो जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि मॉडिफाइड हेयर्स ही हैं, और तो मतलब कांटे तो इसने उगाए नहीं है अपने शरीर पे, है ना। सो अब अगर बात करें कि इसका रंग रूप कैसा होता है ना, सो एक्डिना इज कैसा, डार्क ब्राउन विद लाइट कलर्ड स्पाइंस, क्लियर आपको दिखाई दे रहा है, ये डार्क ब्राउन है, लिख लीजिए डार्क ब्राउन विद लाइट स्पाइक्स, क्लियर। स्पाइक्स तो नहीं कहेंगे, स्पाइक्स कह सकते हैं, स्पाइंस कहेंगे, स्पाइंस, क्लियर। सो फ्रेंड दे हैव लॉन्ग जॉ बोन्स, क्लियर वो भी लिख लीजिए, और क्या क्या चीजें हैं इसके पास, लॉन्ग जॉ बोन्स। इसके अलावा अब देखिए ये जो लॉन्ग जॉ बोन है इसका क्या काम है, इट हैव्स टू फॉर्म ए स्नाउट दैट हैज नो टीथ, क्लियर ये दिख रहा है आपको, है ना, दिख रहा होगा, क्लियर। एंड फ्रेंड्स इसके पास मतलब ईयर होल्स भी हैं, एंड यू कैन से गुड हियरिंग पावर, मतलब छोटी से छोटी या फिर मतलब जो साउंड है वो किस में मापते हम, डीबी के अंदर, या फिर डिबाई कह सकते हैं ना, डेसिबल कह सकते हैं। सो दे हैव गुड हियरिंग पावर एंड दे हैव ईयर होल्स, क्लियर। सो ये था कुछ बेसिक। अब फ्रेंड्स बात करते हैं शॉर्ट बेक जो एक्डिना है, यानी कि टैकीग्लॉसस एक्यूलेटस, पहले इसके बारे में बात कर लें फिर इस पॉइंट पे आएंगे, क्लियर। जो भी है मतलब सारा कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। सो टैकीग्लॉसस एक्यूलेटस इट मींस, क्या नाम है भाई इसका, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, शॉर्ट बेक्ड एक्डिना, SBE कर देते हैं, क्लियर। चलिए अब इसके बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखें, कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे, मतलब सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि भाई ये मिलेगा कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया, क्लियर, और उसके अलावा न्यू गिनिया, और न्यू गिनिया में भी अगर मैं बात करूँ तो साउथ के अंदर, क्लियर। और फॉरेस्ट वगैरह की बात करते हैं तो सभी जगह पाया जाता है, ओके। सो इसमें तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर मेल भी है और फीमेल भी है ना। सो मेल कितने साइज का होगा, फीमेल कितनी साइज की होगी, ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा। सो पहले बात करते हैं मेल, मेल शॉर्ट बेक्ड एक्डिना। सो फ्रेंड मेल की जो लेंथ है वो कितनी रहेगी, लेंथ इज अबाउट यू कैन से 30-45 सेंटीमीटर, क्लियर। और अगर वेट की बात करें सो 7 केजी वेट होगा, क्लियर। अब बात करते हैं फीमेल की, फीमेल की बात करते हैं तो जस्ट यू कैन से स्लाइटली स्मॉलर देन द मेल, क्लियर। सो डेटा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि भाई ये मेल का है या फीमेल का, जस्ट आप ऐसा लिख सकते हैं इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन द मेल, क्लियर, ओके। सो फ्रेंड अब अगर और कुछ लिखना हो तो इसके पास क्या कुछ चीजें होती हैं, है ना, क्योंकि सब कुछ जानना जरूरी है। दे हैविंग यू कैन से लॉन्ग स्टिकी टंग, लॉन्ग स्टिकी टंग, TONGUE, क्लियर। एंड अगर उसके स्पेसिफिक साइज की हम बात करते हैं तो कितनी लंबी, अबाउट 18 सेंटीमीटर, क्लियर। एंड कैन बी मूव्ड इन और आउट 100 टाइम्स पर मिनट, यानी कि इसका रेट कितना हो गया, 100
टाइम्स पर मिनट, क्लियर। सो किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए फ्रेंड्स। अब इसको हम शुरुआत में हम क्या बोल रहे थे, इट इज स्पाइनी एंट ईटर, है ना। सो एंट ईटर क्यों बोल रहे हैं, ये जो इसकी जो लॉन्ग स्टिकी टंग है ये हेल्प करेगी टू कैच द एंट, टर्माइट एंड इंसेक्ट लार्वा, ठीक है। इंसेक्ट, एंट और टर्माइट्स हेल्प कौन करेगा, लॉन्ग स्टिकी टंग। और यू कैन से लॉन्ग स्टिकी टंग इज परफेक्टली हेल्पिंग फॉर कैचिंग ऑल दीज थिंग्स, ओके। सो द टंग एंड द रूफ ऑफ द माउथ आर कवर्ड विद द स्पाइन टू ग्राइंड अप इंसेक्ट स्केलेटन एंड मेकिंग इट इजियर फॉर द एनिमल टू डाइजेस्ट इट्स फूड, एंड दे फाइंड एंट एंड अदर इंसेक्ट यूजिंग देयर सेंस ऑफ स्मेल एंड पावरफुल डिगिंग क्लॉज, क्लियर। इज इट क्लियर, अब आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि ये मतलब है कैसा, और इसके इसका जो रंग रूप है, ये जो इमेज लगाने का यहाँ पे मोटिव है, ये जस्ट आपको ध्यान रहे कि हाँ ऐसा कुछ हमने वहां पे पढ़ा था, क्लियर। अब आते हैं अपने इससे पहले वाले पॉइंट पे, ठीक है। एकेडिनास आर सॉलिटरी एनिमल एंड ओनली कमिंग टुगेदर ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन, क्लियर। मतलब ये थोड़े से दुनिया से थोड़े से अलग है ना, दुनियादारी से थोड़ा सा हटके है। सो एकेडिना आर सॉलिटरी एनिमल एंड ओनली कम टुगेदर ड्यूरिंग द मेटिंग सीजन व्हिच लास्ट फॉर 2 or 3 weeks इन जुलाई टू अगस्त। सो अब अगर आपसे कोई टाइम पीरियड पूछ ले कि किस समय, है ना, सो आप जुलाई से अगस्त लिखेंगे, और विद इन मतलब वैसे कोई टाइम पीरियड पूछे विद इन 2 to 3 weeks, और स्पेसिफिकली अगर आपको मंथ लिखना है तो जुलाई टू अगस्त आप लिख सकते हैं, क्लियर। जून, जुलाई, अगस्त, जुलाई के बाद अगस्त ही आता है, क्लियर। सो फ्रेंड नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग दिस टाइम द फीमेल इज फॉलोड बाय मेल फ्रॉम विच शी चूजेस वन टू मेट, क्लियर। सो दीज आर पॉइंट जस्ट टू मेंशन एंड मतलब सिर्फ समझने के लिए यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जस्ट आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाए, ओके। एंड द फीमेल यूजली गिव बर्थ टू ओनली वन लेदरी एग एंड द एग इज प्लेस्ड इनटू पाउच मेड बाय फोल्ड ऑफ स्किन वेयर इट हैचेस आफ्टर 10 days, क्लियर। 2 से 3 हफ्ते का एक टाइम पीरियड हो गया मेटिंग का, हैचिंग आफ्टर 10 days, क्लियर। सो फ्रेंड the fetus has an egg tooth. Egg tooth किसके अंदर था, आपने पिछली वाली क्लासेस तो अटेंड की ही होंगी, है ना, reptiles पढ़ा होगा, reptiles, reptiles, और क्या था भाई, birds, है ना, यानी कि eggs. So ये दोनों चीजें आपने पढ़ी होंगी, है ना, और just egg tooth क्या होता है वो अब आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन है यहां पे EGGTOOTH, क्लियर, ये आप बता दीजिए कमेंट्स के द्वारा फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पे भी कुछ ऐसा ही होता है, द फीटस हैज एन एग टूथ लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स व्हिच इट यूजेस टू ब्रेक ओपन द लेदरी एग सेल, क्लियर। कुछ कुछ क्लियर हुआ कि एग टूथ क्या है, ज्यादा क्लियर आपको करना कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए, ठीक है। पिछले वाले लेसन में मतलब थोड़ा थोड़ा हमने वहां पर डिस्कस किया था, ठीक है, जस्ट शॉर्ट आंसर आपको करना है, पूरा डिटेल आपको मेंशन नहीं करना है, ओके। एंड फ्रेंड्स यंग वन जो है वो फीड कहां पे करेगा, है ना, कहां पे फीडिंग होगी, मिल्क, है ना, कहां से आएगा, मदर से आएगा। सो द यंग फीड्स बाय लीकिंग मिल्क फ्रॉम द मिल्क टी स्पैचेस ऑन द मदर्स स्किन, क्लियर। सो भाई ये भी
मिल्क कंज्यूम करता है। और ये जो मिल्क है वो कहाँ से आया, जो टीसी पैचेस है, TISSEPATCHES, और टीसी पैचेस कहाँ पे प्रेजेंट है, मदर की स्किन पे। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है ना, कंसेप्ट ही क्लियर करना होता है। और जो चीजें रटने के लिए होती हैं वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि हाँ अब ये आपको क्रैमिंग करनी है। क्लियर। सो फ्रेंड, इट इज कैरिड, अब जो फीडिंग है और जो मिल्क है, टीसी पेचेस है, इससे रिलेटेड ही पॉइंट एक है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इट इज कैरिड इन द पाउच अंटिल इट स्पाइंस बिगिन टू ग्रो व्हेन द मदर प्लेसेस इट इन ए नर्सरी ब्रो हॉलोड इन द ग्राउंड। क्लियर। सो आप इसको क्या बोलेंगे, लैंड मैमल कह सकते हैं, है ना, एगलिंग मैमल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कौन से मोनोट्रेमेटा ऑर्डर के अंदर आ रहा है ना। क्लियर है। एंड फ्रेंड्स, रिटर्न्स फ्रीक्वेंटली टू फीड द यंग एकिडिना व्हिच बिकेम इंडिपेंडेंट इन ए ईयर। अब यहां से पॉइंट क्या निकल के आया कि एक साल के अंदर, मतलब जितना उसको डेवलप करना होता है, जितना उसको ग्रो करना होता है, वो कर चुका होता है और आत्मनिर्भर हो जाता है। क्लियर, ओके। एंड फ्रेंड्स, अब ये आया, सी रिटर्न्स फ्रीक्वेंटली टू फीड द यंग वन एकिडिना व्हिच बिकेम इंडिपेंडेंट इन ए ईयर एंड व्हेन इन डेंजर द एकिडिना क्रॉल्स अप टू प्रोटेक्ट इट्स बॉडी बाय इरेक्टिंग स्पाइंस। अब ये क्या मैकेनिज्म है, अब आप सोच के चलिए कि अगर कोई बॉम्ब फेंक दे, मतलब कोई टेररिस्ट आ गया और बॉम्ब फेंक दिया, तो आप क्या करेंगे, जस्ट क्रॉलिंग करेंगे है ना, और वहां से, मतलब क्रॉलिंग नहीं करेंगे तो जस्ट आप जमीन के ऊपर लेट जाएंगे है ना, स्लीपिंग ऑन द लैंड। उसका क्या होगा कि जो बॉम्ब है वो कैसे फटता है, जैसे ये है वो ऐसे फटेगा, नीचे की साइड तो नहीं फटेगा, आप यहां पे है, सो नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा। क्लियर, इज इट क्लियर, है ना, कोई डाउट नहीं है ना, ओके। सो एक साल के अंदर इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन उसके बाद फिर डेंजर में होता है, तो ये क्रॉलिंग करेगा और क्रॉलिंग करते वक्त ये जो स्पाइन्स हैं ये इसकी हेल्प करेंगे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द, यू कैन से, शिकारी। क्लियर, और ये शिकार ना बने अपने आप को बचाने के लिए। एंड फ्रेंड्स, इफ ऑन द सॉफ्ट ग्राउंड इट डिग्स इन टू द सोयल एंड प्रोजेक्टिंग शार्प स्पाइन। अब ये जो स्पाइन्स है ना ये इसकी प्रोटेक्शन भी करेंगे, और अगर सॉफ्ट लैंड है तो डिगिंग में भी हेल्प करेंगे। क्लियर, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर एकेडिना का, कोई डाउट तो नहीं है ना, अगर है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर, एनी टाइम एनीवेयर, इज इट क्लियर, ओके। सो फ्रेंड, अब अपने पास नेक्स्ट स्पीसीज आती है प्लेटिप्स। सो प्लेटिप्स का जो इमेज है वो आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, मेरे को जो बेस्ट इमेज मिली वो नेशनल ज्योग्राफी से मिली है ना, सो मैंने सोर्स यहाँ पर डाल दिया है ना। और मतलब यहाँ पे भी कुछ इम्पोर्टेंट है, और प्लेटिप्स एक ऐसा एकमात्र एनिमल है जिसके पास बीक अवेलेबल है, बीक भी है, फर भी है, और वेब्ड फीट भी है। क्लियर, चलिए। सो फ्रेंड, प्लेटिप्स का साइंटिफिक नेम क्या होगा, है ना, प्लेटिप्स से तो आप याद नहीं रख पाएंगे, जस्ट ये तो कॉमन नेम हो गया, फिर इंग्लिश नेम बोल लीजिए, ओके। सो प्लेटिप्स आप सभी जानते हैं, ऑर्निथो रिंकस एंटिनस। क्लियर, स्पेलिंग क्या होगी, ORNITHO, ऑर्निथो, RYNCHUS, ऑर्निथो रिंकस आगे एंटीनस, ANATINUS। क्लियर, सो ये हो गया आपका साइंटिफिक नेम कह लीजिए या फिर जियोलॉजिकल नेम कह लीजिए, ओके। सो फ्रेंड, द प्लेटिप्स विच इज द ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड टू हैव द बीक, फर एंड वेब्ड फीट। क्लियर,
ये मतलब एक तरह का आप कह सकते हैं कि अजूबा है ना। और इसमें भी मैं बात करूंगा साइज की, मेल के साइज की, फीमेल के साइज की, है ना, वो भी हम बात कर लेंगे यहाँ पे। सो पॉइंट ये है कि इसके पास ये तीन चीजें हैं। अब ये तीन चीजें किस तरीके से इसकी हेल्प करती हैं, है ना। सो फ्रेंड कहाँ पे पाया जाता है पता है? नहीं पता है ना। चलिए इसको आप क्या एक्वेटिक में डाल सकते हैं? देखिए मैं आज के लेसन में एक्वेटिक वाला भी इसके साथ ही कवर करने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी आपको कि आपको अगर लेसन देखना होगा किसी का, और मतलब आपको दोनों देखने पड़ेंगे और काफ़ी लेंदी लेसन भी हो जाएगा, है ना, तो उससे आपको दिक्कत होगी, आप एक साथ बैठ के पढ़ नहीं पाएंगे, मतलब जो कंसंट्रेशन टाइम है उससे ज़्यादा मैं लेसन देना नहीं चाहता, है ना। सो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बोलेंगे तो लेंदी लेसन भी हो जाएंगे और बहुत सारे हुए भी हैं, क्लियर। सो फ्रेंड ये कहाँ पे पाए जाएंगे? जस्ट लाइक अ रिवर हो गया, क्लियर, लेक हो गई, और कहाँ पे, यू कैन से क्रिक्स, क्रिक्स और स्ट्रीम्स, ठीक है। अब ये तो हो गया इनका एक स्पेसिफिक स्थान, लेकिन अब अगर मैं किसी कंट्री की बात करूं, किसी स्पेसिफाइड कंट्री की, तो ये कहां पे मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में किस पे? ईस्टर्न साइड, क्लियर, ईस्टर्न साइड में। एंड फ्रेंड्स अब अगर आपको स्टेटमेंट देनी हो, सो स्टेटमेंट इस तरीके से लिखेंगे, द प्लेटिप्स विच इज द ओनली एनिमल इन द वर्ल्ड टू हैव द बीक, फर एंड वेब्ड फीट, एज इट इज फाउंड इन लेक्स, क्रीक्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स अलोंग द ईस्टर्न साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, क्लियर। और ईस्टर्न साइड कौन सी है अगर स्पेसिफिकली बात करें तो? कुक टाउन, CKTOWN, कुक टाउन। और यू कैन से कुक टाउन कहाँ पे है? नॉर्थ क्वीनलैंड में है शायद, है ना, नॉर्थ क्वीनलैंड। यहाँ से लेके, और होबार्ट आपने सुना होगा, है ना, और होबार्ट की वहाँ पे एक, वहाँ पे बिग बैश लीग होती है, जैसे यहाँ पे अपने IPL होती है, तो होबार्ट हरिकेन के नाम से एक टीम है ना। सो उससे थोड़ा सा रिलेट करके इसको याद रख लीजिएगा, ओके फ्रेंड्स। अब वेब फिट की बात करें, मतलब वेब फीट, सो द वेब फीट ऑफ प्लेटिप्स, ये मॉडिफाई क्यों हुए? इसके पीछे कुछ रीजन है ना, डेफिनेटली होगा। इट इज मॉडिफाइड ड्यू टू, और यू कैन से फॉर स्विमिंग, SWIMMING, स्विमिंग और डिगिंग, क्लियर। ये पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, क्लियर, ओके फ्रेंड्स। व्हेन इट फीड्स अबाउ वाटर लेवल, इट शेक इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड, सो दैट द नर्व्स इन इट्स बिल कैन सेंस फूड। देखिए मतलब ह्यूमन बीइंग से भी कहीं ज्यादा चतुर और चालाक हैं ये, है ना। सो इसकी डाइट क्या है ना, इसकी डाइट क्या है? इसकी डाइट है क्या? लार्वा, LARVAE, लार्वा। उसके अलावा वॉर्म्स, क्लियर। और वॉर्म्स में अगर स्पेसिफिकली लिखना हो तो हॉर्स हेयर वॉर्म्स लिख लेंगे, ठीक है, HORSE HAIR। इसके अलावा फिश एग हो गए, क्लियर, और प्लांट्स, इज इट क्लियर, है ना। तो ये इसकी डाइट होगी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट और बचता है, श्रम, SHRIMPS, श्रम्स। सो दीज आर द डाइट ऑफ प्लेटिप्स, इज इट क्लियर, है ना, ओके। सो फ्रेंड बॉडी ऑफ प्लेटिप्स
इज एक्सेप्शनली वेल स्ट्रीमलाइन फॉर एक्वेटिक लाइफ। अब एक क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि यार ये एगलिंग मैमल है या एक्वेटिक मैमल है ना। सो साइंटिस्ट ने तो इसको एगलिंग में ही रखा है ना। अगर हम होते तो दोनों में रख देते है ना, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। ओके सो फ्रेंड, अब यहां पे वेब फिट की तो बात हो गई, अब बात करते हैं फर की। क्लियर। सो फर जो है वो आप कह सकते हैं वाटरप्रूफ है। क्लियर। फर इज वाटरप्रूफ विद एन आउटर लेयर ऑफ लॉन्ग फ्लैट ब्लेडेड गार्ड हेयर एंड एन इंटरनल लेयर ऑफ फाइन हेयर। अब यहां पे क्या होगा कि जो दो लेयर हैं, दो लेयर का मैं पहले यहां पे नेम लिख देता हूं, ठीक है। सो आउटर लेयर जो है, क्लियर, आउटर लेयर ऑफ फर, फर की हम यहां पे बात कर रहे हैं। सो फ्रेंड, इसका वर्क क्या है, इसका वर्क क्या है, क्या बताया? आउटर लेयर जो है ऑफ लॉन्ग फ्लैटेड ब्लेडेड दैट गार्ड्स हेयर, क्लियर। और उसके अलावा इनर की मैं बात करूं, सो इनर क्या करेगा, मतलब जो इनर लेयर है ऑफ फाइन हेयर, ये ट्रैप करेगी एयर, एयर ट्रैपिंग, क्लियर। एंड इट ऑल्सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, क्लियर। इनर लेयर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगी और एयर ट्रैप करेगी, ठीक है, और आउटर लेयर सिर्फ प्रोटेक्ट करेगी। इट इज क्लियर। अब यहां पे दो हैं, फीमेल प्लेटिप्स और मेल प्लेटिप्स, क्लियर। सो उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन डिले करते हैं, पहले हम ये जो पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं, ओके, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे मैंने, उनके भी आंसर करूंगा लास्ट में। सो फ्रेंड, प्लेटिप्स कैन लिव फॉर 10 ईयर और मोर, क्लियर। ये अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना कि पॉइंट टू पॉइंट तो लिखेंगे ही, उससे आपको मार्क्स भी मिलेंगे, लेकिन बहुत से जो एग्जामिनर है उनका माइंडसेट एक होता है कि थोड़ा सा बल्कि भी लिखा हुआ हो, है ना। सो उसमें ये कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं, प्लेटिप्स कैन लिव फॉर 10 और मोर ईयर्स, है ना, एंड द डिग ब्रो एंड ब्यूल नेस्ट फॉर लेइंग एग्स एंड रियरिंग यंग विच फीड ऑन द मिल्क एंड दैट दे सक फ्रॉम द टफ्ट ऑफ हेयर लोकेटेड अबाउट द मदर्स मेमोरी ग्लैंड, क्लियर। सो दैट्स व्हाई वी कॉल मैमल, है ना। एंड फ्रेंड्स, व्हेन द ऑफस्प्रिंग आर बोर्न दे हैव अ स्पर, they have a spur on each hind leg which the male retain for life but the female lose within a year, clear। अभी जो spur है ना, इसको क्या male तो retain कर लेगा और female lose कर देगी, that clear। So the spur which is connected to a venom gland is about 1.5 centimeter long and can inflict a very serious wound and the venom is strong enough to kill a large dog, clear। कितना घातक है समझ में आ गया होगा इस लाइन से, है ना। So platyps किस पे फीड करेगा, जस्ट बेसिक तो मैंने आपको बता दिया कि इसकी डाइट क्या होगी, लार्वा, वॉर्म्स, और वॉर्म्स में भी स्पेसिफिकली बात करें तो हॉर्स हेयर, है ना, फिश एग और प्लांट्स हो गया, श्रम्स हो गए, ये सारे इसकी डाइट होगी। सो फ्रेंड, प्लेटिप्स फीड ऑन इंसेक्ट लार्वा, फ्रेश वाटर श्रम, बाइवल मोलस्क, फ्रॉग एंड फिश एग, इज इट क्लियर। एंड दे हैव एक्सेप्शनली सेंसिटिव बिल टू डिटेक्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स generated by the muscles activity of small prey, clear। ये
इसका आप कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक फीचर है कि ये किसको सेंस कर लेता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कह सकते हैं डिटेक्ट कर लेता है। ओके, बड़ा शातिर है और बड़ा अच्छा डिटेक्टिव। ओके, जो कि किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, स्मॉल एक्टिविटी ऑफ, यू कैन से एक्टिविटी ऑफ स्मॉल प्रे, ठीक है, मसल एक्टिविटी। सो फ्रेंड, व्हेन फ्रोजिंग दे डाइव रिपीटेडली एंड कैप्चर फूड एंड स्टोरिंग इट इन द चिक पाउचेस, मतलब युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहता है, अपना जो बोरिया बिस्तर है वो बांध के रखता है ना, सामान जो है वो इकट्ठा करके रखता है। एंड फ्रेंड्स, द यंग पजेसेस टीथ बट दे आर लॉस्ट एज द एनिमल मेच्योर, क्लियर। देखिए पहले क्या होंगे, टीथ होंगे, क्लियर। उसके बाद जैसे जैसे मेच्योर होगा, सो टीथ एब्सेंट हो जाएंगे, क्लियर। एंड अडल्ट हैव हॉर्नी बकल पैड्स फॉर ग्राइंडिंग देयर फूड, उसके बाद इनके पास क्या होगा, क्या होगा, बकल पैड, BUCCAL, बकल पैड्स। ओके, सो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्लियर। अब बात करते हैं मेल प्लेटिप्स की और फीमेल प्लेटिप्स की, क्लियर। उनके साइज, वेट, ये सारी चीजें मैं आपको अभी बता देता हूं, क्लियर। सो फ्रेंड, पहला है अपने पास मेल, मेल प्लेटिप्स का जो साइज है वो आप मतलब लेंथ बोल लीजिए, लेंथ इज अबाउट 50 सेंटीमीटर, क्लियर। अगर वेट की मैं बात करूं तो वेट होगा 1.6 kg, क्लियर। एंड फ्रेंड्स, इसके पास हॉलो पॉइजनस स्पर प्रेजेंट होगा, HOLLOW, हॉलो, POISONOUS, पॉइजनस स्पर, ये प्रेजेंट होगा इसके पास। और कहां पे प्रेजेंट होगा, बिहाइंड ईच ऑफ हिज हिंड लेग्स, क्लियर। तो ये हो गया मेल के बारे में, क्लियर। अब बात करते हैं फीमेल प्लेटिप्स की। सो फीमेल प्लेटिप्स, चलिए लिखते हैं यहां पे FEMALE, क्लियर। फीमेल प्लेटिप्स, इसका अप्रोक्सीमेट साइज कितना होगा, इसको भी आप कह सकते हैं स्लाइटली स्मॉलर कह सकते हैं, या फिर अगर लिखना चाहें सो 44.5 सेंटीमीटर, क्लियर। और वेट अराउंड होगा, इट इज स्लाइटली लाइटर देन द मेल, ये भी लिख सकते हैं, और वेट लिखना चाहें तो 1.2 केजी लिख लीजिए। एंड फ्रेंड्स, इट डज नॉट हैव ए पाउच टू कैरी हर यंग वन, क्लियर। सो इसके पास पाउच जो है वो एब्सेंट होगा, क्लियर। एंड एज यू नो, सी लेज एग इन हर स्पेशल नेस्टिंग चैम्बर एंड फीड हर यंग ऑन मिल्क, क्लियर, क्लियर है ना, पिछले वाले में भी कुछ ऐसा ही था, है ना। एंड फ्रेंड्स, इसके जो एग शेल है, क्या चीज, EGGSHELLS, एग शेल्स सॉफ्ट होंगे या हार्ड होंगे, ये होंगे सॉफ्ट, क्लियर। चलिए अब आपका जो क्वेश्चन था, जो हमने आंसर करने के लिए दिया था, है ना, सो उसके आंसर अब फटाफट सुन लीजिए। पहले तो क्वेश्चन क्या था वही थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा, है ना। सो पहला क्वेश्चन था अपने पास स्मॉलेस्ट मैमल, है ना, ऐसा ही कुछ था। चलिए कहां पे लिखे हैं, जगह तो बची ही नहीं है, है ना, यहां पे लिख लेते हैं, यहां पे। ओके, ये थोड़ा सा स्पेस मैंने बना दिया है और इसको स्टार से डिनोट कर रहा हूं, क्लियर।
Q M A। चलिए, स्मॉलेस्ट मैमल का नाम पूछा था ना, सो स्मॉलेस्ट मैमल होगा हॉगनोज। क्लियर, HOGNOSE, हॉगनोज ये होगा स्मॉलेस्ट मैमल। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि ऐसा कोई मैमल जिसकी वॉइस सिमिलर हो ह्यूमन बींग से, जब ह्यूमन बींग हंसता है, है ना। सो उसका आंसर होगा हाइना। क्लियर, HYAENA, वॉइस जो है वो सिमिलर होगी किससे, ह्यूमन। क्लियर, सो यहां तक क्लियर है ना। और स्मॉलेस्ट मैमल मैंने पूछा था तो उसका भी आंसर आपको मिल गया है ना, जिसका आंसर है हॉगनोज। अगर इसकी मैं बात करूं तो हॉगनोज से पहले स्मॉलेस्ट मैमल था पिग्मी वाटर श्रू, ठीक है, उसको याद रखिएगा आप। सो ये एक हाइलाइटेड सेक्शन मैंने बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले जो था उसका भी नाम आप याद रखिएगा, उसका नाम था पिग्मी वाटर श्रू। क्लियर, वो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा हूँ ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। क्लियर, सो आई थिंक ये लेसन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा है ना, और काफ़ी फैक्ट्स आपको जानने को मिले। फ्रेंड्स, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं स्लाइड्स के अंदर क्लियर करता हुआ चलता हूँ, और आपके एक भी फैक्ट्स छूटने नहीं दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन चाहे कहीं से भी आ जाए, क्वेश्चन घुमा फिरा के जरूर आ सकता है, लेकिन सिलेबस जो पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं आएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वेरी मच एंड हैव एन awesome day।